नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास पेशकश बजट 2022 के अंदर। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का उम्मीद वाला बजट पेश कर दिया है। इस बजट को बीजेपी सरकार भारत का उम्मीद वाला बजट बता रही थी कि इस बार का जो बजट है काफी अच्छा रह सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी पहले बजट पेश कर दिया था, आज 1 फरवरी 2022 को ठीक 11 बजे बजट की पेश कर दिया था मंत्रालय के अंदर, और उसमें क्या क्या अहम घोषणाएं हुई, किस क्षेत्र के लिए कितना धनराशि दी गई है, क्या नई योजनाएं हैं, किस क्षेत्र में क्या नई योजनाएं लाई जा रही हैं, और आगे भारत को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं किस क्षेत्र के अंदर, अपनी इस खास पेशकश बजट 2022 में जानने की कोशिश करेंगे। तो बजट 2022 में सबसे पहले हम जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टैक्स। सबसे पहले जानेंगे कि टैक्स में, टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में क्या अहम घोषणाएं की हैं, टैक्स लैब में कितनी घटबढ़ हुई है, टैक्स आगे क्या रह सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया है कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला किया है। इस बजट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने का ऐलान और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 15% टैक्स लगेगा। सबसे अहम बात कि सरकार ने आयकर दरों या स्लैबों में कोई भी बदलाव नहीं किया है, इनकम टैक्स स्लैब जस के तस बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जहां टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख से ऊपर करने की उम्मीद थी, उस पर भी निराशा ही मिली। नौकरी पेशा वर्ग इस बार के बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था, उस वक्त टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, यानी लगातार 9वें साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपये लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा। इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना होगा। वहीं डिजिटल असेट और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक बड़ा नियम लाया गया है। बजट में प्रस्ताव है कि अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 30% का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने एक बड़े टैक्स घोषणा में कहा है कि कर्मचारियों को NPS में पेंशन पर टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं नई स्टार्टअप कंपनियों को 1 साल तक टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार के पास नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा था कि करदाता आकलन वर्ष असेसमेंट ईयर के अंत से 2 वर्षों के भीतर अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा ITR भरने में गड़बड़ी हुई तो सुधार का मौका भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्स पेयर ITR नहीं भर रहा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। अब ITR भरने में गड़बड़ी हुई तो 2 साल तक सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इस साल 2022 के बजट में टैक्स में कोऑपरेटिव टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। वहीं सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। लेकिन बात करें अगर नौकरी पेशा वालों की, तो नौकरी पेशा वालों को इस बार निराशा ही हाथ लगी है बजट 2022 में, क्योंकि टैक्स स्लैब्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नौकरी पेशा वालों का कहना है कि ये लगातार 9वां साल है, यानी कि
साल 2014 में टैक्स स्लैब में यानी कि टैक्स की जो दरें हैं उनमें बदलाव किया गया था, और ये लगातार 9वां साल है जबकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो नौकरी पेशा वाले बजट 2022 से थोड़े से हल्के मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर नया फैसला आया है, बड़ा ऐलान है कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। अब इससे आगे बिटकॉइन जैसी कई अन्य क्रिप्टो करेंसी में निवेश बढ़ता है या घटता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि पहले इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था जिसकी वजह से सरकार ने इसको बैन कर रखा था। सरकार का कहना था कि जब निवेश कर रहा किया जा रहा है इसके अंदर और सरकार को कोई भी टैक्स नहीं दिया जा रहा है तो सरकार इसको अभी हाल फिलहाल के लिए बैन कर दे रही है, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बुनियाद नहीं था कि इस चीज़ को रेगुलेट कौन कर रहा है, इस चीज़ से ज़्यादा फायदा रहेगा ये नुकसान। लेकिन अब सरकार ने भी इसमें इंटरवेंशन कर दिया है, हस्तक्षेप कर दिया है, जिसकी वजह से अब आने वाले समय में ये पता लग पाएगा कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स भारत के लिए कितने लाभदायक हैं और कितने नुकसानदायक। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे टैक्स बजट की कि टैक्स साल 2022 के बजट में टैक्स क्षेत्र के लिए क्या फायदा रहा, क्या नुकसान और क्या बड़ी घोषणाएं रही। यहां से अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि बजट 2022 से क्या चीजें सस्ती हुई हैं और क्या चीजें महंगी हुई हैं, कस्टम ड्यूटी में कितनी घटबड़ हुई है और किन किन आइटमों की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, किन किन आइटमों की कस्टम ड्यूटी कितनी घटाई गई है, अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, बजट में कई बड़े ऐलान भी किए गए। बजट पेश होने के बाद कुछ सामान महंगा हो जाएगा और कुछ सामान सस्ता। अब आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में कौन कौन से सामान की कीमतों में कटौती होगी और कौन कौन से सामान के रेटों में इजाफा होगा। सबसे पहले बात करेंगे सस्ता होने वाले सामान की। तो विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता हो जाएगा बजट के बाद, खेती के उपकरण सस्ते होंगे, मोबाइल चार्जर, जूते चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे, जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। तो सस्ते वाले होले सामान में शामिल हैं आपके विदेश से आने वाली मशीनें, कपड़ा, चमड़े का सामान, खेती के उपकरण, मोबाइल चार्जर, जूते चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे और जेम्स एंड ज्वेलरी, ये चीज़ें बजट के बाद सस्ती हो जाएंगी। यहीं से बात करें अब कि बजट के बाद क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उसमें आपका विदेशों से आने वाला छाता, कैपिटल गुड्स, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, इमिटेशन ज्वेलरी महंगे होने वाले हैं। तो ये थे सस्ता और महंगा होने वाले सामान। वहीं बजट में सरकार ने जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी है। सरकार ने साल 2022 के बजट में जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी है। आपको बता दें कि जेम्स एंड ज्वेलरी की कस्टम ड्यूटी में 5% की कटौती कर दी गई है, और जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा कट और पॉलिश्ड डायमंड जो होता है उस पर भी सरकार ने 5% की ही कस्टम ड्यूटी में कटौती की करी है। वहीं स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। मेंथा ऑयल की बात करें तो मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। कस्टम ड्यूटी में इजाफे की बात करें तो इस बार के बजट में कैपिटल गुड्स और आयात शुल्क पर कस्टम ड्यूटी को 7.5% कर दिया गया है। इसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। विदेशी छाते की कीमतों में इजाफा किया गया है। बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर भी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बजट 2022 में अब क्या क्या सामान महंगा हो जाएगा, क्या क्या सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने वाले सामानों में आपकी विदेश से आने वाली मशीनरी हो गई, खेती के उपकरण हो गए, मोबाइल फोन्स, चार्जर, कपड़े, चमड़े से बनने वाला सामान, ये सब आदि अब सस्ता हो जाएगा। वहीं महंगा होने वालों में आपके कैपिटल गुड्स, इमिटेशन ज्वेलरी और विदेशों से जो छाते आयात होते हैं वो
उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी इस बजट के बाद और अब वे महंगे हो जाएंगे। तो ये हमने जाना था कि साल 2022 बजट पेश होने के बाद किन किन चीज़ों पर कीमतों में असर पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी और किन किन चीज़ों के दाम घट जाएंगे। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। क्रिप्टो करेंसी का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, जब भी देखते हैं अगर मंदी आती है तो बहुत जोरदार की मंदी आती है और अगर तेजी आती है तो शानदार तेजी आती है। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में डिजिटल रुपए को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि RBI वित्त वर्ष 2022-23 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको CBDC यानी कि डिजिटल रुपए भी कहा जाता है, इसको रोल आउट करेगी वित्त वर्ष 2022-23 में। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक डिजिटल रुपए को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समेत कई अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह सरकारी वर्चुअल करेंसी होगी। वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से डिजिटल रुपए को जारी किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल रुपए के जारी होने से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। यह RBI की अपने तरह की वर्चुअल करेंसी होगी। डिजिटल रुपया वर्चुअल मनी होगी जो हार्ड कैश की जगह लेगी। सरकार ने ऐसे वक्त में डिजिटल रुपया जारी करने का ऐलान किया है जिस वक्त में मार्केट में कई प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं। हालांकि इस बार के बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी समेत प्राइवेट करेंसीज को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं जारी किया है, लेकिन प्राइवेट करेंसी से कमाई पर टैक्स जरूर लगा दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। साथ ही वर्चुअल निवेश में घाटा होने पर भी सरकार टैक्स वसूलेगी। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जारी क्रेज घटेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाना प्राइवेट करेंसी में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। बता दें कि केंद्र सरकार और RBI की तरफ से पहले ही प्राइवेट करेंसी में निवेश को लेकर आगाह किया जाता रहा है। साथ ही बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन पर 1% की दर से TDS काटने का ऐलान भी किया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स देना होगा। और वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार भी अपनी वर्चुअल रुपया यानी कि डिजिटल मनी लॉन्च कर देगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल रुपया आने से, डिजिटल करेंसी आने से भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंचेगा और इससे एक लाभ ये भी होगा कि ये अपनी ही तरह की एक सरकारी डिजिटल करेंसी होगी, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सरकारी डिजिटल रुपया होगा, सरकारी डिजिटल करेंसी होगी। ये कोई भी अन्य प्राइवेट या कोई दूसरी तरह की कोई भी क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होगी, लेकिन अब भारत की भी डिजिटल रुपया अब बहुत ही जल्द देखने को मिल पाएगा। यहां से अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि एग्री बजट में क्या रहा, यानी कि बजट 2022 में किसानों के लिए क्या खास रहा है, किसानों के लिए सरकार ने क्या बड़े ऐलान किए हैं और किसानों को क्या लाभ पहुंचेगा साल 2022 के बजट से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022-23 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मेट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। साथ ही किसानों को डिजिटल सेवाएं भी दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पूर्ण रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा भी देंगे और 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए 2.37 करोड़ रुपए सरकार ने भेजे हैं और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। अब आपको एक एक पॉइंट से समझाते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, किसानों के लिए क्या खास रहा है। तो सबसे पहले किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। दूसरा, जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। तीसरा ऐलान, किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। चौथा, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचवा, साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। साल 2023 जो रहेगा वो मोटा अनाज वर्ष के लिए घोषित किया जा चुका है। छठा पॉइंट, रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मेट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। सातवां, किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पूर्ण जोर रूप से कार्य किया जाएगा। आठवां, ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी। 44,605 करोड़ रुपए के केन बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि साल 2022 में कृषि क्षेत्र के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफ़ी सारी अहम घोषणाएं की हैं। जैसे कि साल 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के तौर पर माना गया है कि साल 2023 जो रहेगा वो मोटे अनाजों का वर्ष रहेगा, मोटे अनाजों के लिए रहेगा। वहीं गंगा किनारे 5 किलोमीटर की जो स्कीम है वो भी दी गई है कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ड्रोन के जरिए भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, 100 गति शक्ति टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ PPP मॉडल के तहत किसानों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं दी जाएंगी। और जैसे कि हमने आपको इससे पहले बताया कि अब खेती के जो उपकरण होंगे वो भी अब सस्ते हो गए हैं बजट के आने के बाद से। तो ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश कि बजट 2022 कैसा रहा है, किन किन क्षेत्रों में बजट में क्या रहा है और किन किन क्षेत्रों में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश बजट 2022 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।